नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी एक नई चैनल जिसका नाम है हमारा इलेक्ट्रिकल गुरुजी। और दोस्तों, मैं पहली वीडियो आपके लिए साथ में लेकर आया हूं जिसमें कि आपको मैं घरेलू उपकरण चेक करने के लिए सीरीज टेस्टर कैसे बनाते हैं वो सिखाने जा रहा हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप वीडियो के साथ बने रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं सीरीज टेस्टर कैसे बनाते हैं। कोई घर में अगर हमको उपकरण चेक करना है तो सबसे पहले दोस्तों हमको आवश्यकता पड़ती है एक बोर्ड की। यहाँ पर बोर्ड के बाद में दोस्तों हमको एक सॉकेट, 5-पिन सॉकेट की आवश्यकता होती है। उसके बाद में दोस्तों हमको एक आवश्यकता होती है एक स्विच की। साथ में दोस्तों हमको एक 200 वाट का बल्ब जो कि आप ले सकते हैं किसी भी कंपनी का। और साथ में दोस्तों हमें वायर जिस प्रकार की आवश्यकता हमको लंबाई लेनी है, हालांकि हमारा काम इतने में हो जाएगा तो हम जो है इतने वायर का उपयोग कर रहे हैं। साथ में दोस्तों हमको एक लगेगा यहाँ पर होल्डर, तो आप देख समझ गए होंगे यहाँ पर हमको सबसे पहले लगेगा बोर्ड, 5-पिन सॉकेट, एक स्विच, साथ में दोस्तों 200 वाट का बल्ब और वायर और होल्डर। दोस्तों ये चीज़ें हमारे बनाने के लिए रहेंगी सबसे ज़्यादा आवश्यक। चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पर बोर्ड में हमको सबसे पहले 5-पिन स्विच जो है लगाना है। साथ में दोस्तों हमको हमारा जो है एक बटन लगानी है और साथ में हमको लगाना है हमारा होल्डर। दोस्तों यहाँ से हम यहाँ पर जैसे ही लगाने के बाद इसको कस देंगे तो दोस्तों तैयार हो चुका है हमारा बोर्ड। मैंने सारी बटने, स्विच और होल्डर्स वगैरह लगा दिए हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार कनेक्ट करना है, मैं आपको और भी बता दूंगा। दोस्तों सबसे पहले आप नॉर्मल बोर्ड के अंदर होल्डर को लेंगे, स्विच को लेंगे और सॉकेट को, ये तीनों रनिंग कंडीशन में लगे हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों होल्डर का, जहाँ पर दो पॉइंट होते हैं यहाँ पर, तो एक होल्डर का जो कनेक्शन लेना है वो सीधे ले जाकर हमको सॉकेट के एक पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। और दोस्तों यहाँ से सेकेंड जो होल्डर का पॉइंट रहेगा हमारा वो रहेगा दोस्तों यहाँ पर स्विच के एक पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। कैसे, यहाँ से होल्डर से एक पॉइंट निकलेगा दोस्तों, तो हमारे सॉकेट से एक पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट जो होल्डर का रहेगा दोस्तों वो हो जाएगा स्विच से कनेक्ट। अब दोस्तों आपको जब वायर मेन चेक करने के लिए वायर निकालने हैं तो आपको सेकंड जो सॉकेट का हमारा रहेगा उसमें आप न्यूट्रल का वायर निकाल लें, एक बाहर वायर निकाल लें यहाँ से, और जो हमारा स्विच रहेगा वहाँ से एक वायर आप फेस के लिए निकाल सकते हैं। तो फेस और न्यूट्रल ये हो जाएगा, साथ में हमारा होल्डर से कनेक्शन आप समझ गए होंगे कैसे होगा। होल्डर और ये हम कर रहे हैं कनेक्ट स्विच से। वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको शायद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्लियर हो जाएंगी तो आप आसानी से जो है चेक कर सकते हैं। दोस्तों हमने होल्डर से सबसे पहले ये वायर लिया है जो कि हम स्विच के एक पॉइंट से कनेक्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों हमने ये एक वायर कनेक्ट कर दिया है होल्डर से स्विच के अंदर। अब दोस्तों हम सेकेंड वायर देखते हैं, यहाँ पर सेकेंड वायर हम लेंगे होल्डर से लेकर सॉकेट तक, स्विच तक। तो हम ये दोस्तों कनेक्ट कर रहे हैं अब। ये सेकेंड वायर भी हमारा दोस्तों हो चुका है कनेक्ट, शायद आप समझ गए होंगे ये होल्डर है दोस्तों और यहाँ से है दोस्तों ये सॉकेट, ये है दोस्तों हमारा स्विच। एक वायर हमने ले लिया है यहाँ से स्विच में। अब दोस्तों हम देखते हैं यहाँ से हम निकाल रहे हैं दोस्तों एक फेस का वायर बाहर, जो कि मैंने आपको बताया था ये यहाँ पर आपको दिखा है पूरा कि स्विच से कैसे निकालना है, तो आप देख लीजिए हम स्विच से निकाल रहे हैं। रेड कलर का जो वायर है दोस्तों हमारा वो है फेस का, और दोस्तों एक वायर हम कनेक्ट कर रहे हैं अभी सॉकेट से जो कि रहेगा हमारा न्यूट्रल का। ये दोस्तों हमारा हो गया है बिल्कुल सिंपल तरीके से, शायद आपको समझ आ गया होगा। देख लीजिए दोस्तों ये वायर है हमारा फेस का जो कि हमने निकाला है स्विच से, और ये वायर है हमारा दोस्तों न्यूट्रल का जो कि हमने निकाला है हमारे सॉकेट से। और दोस्तों ये हमारा होल्डर, होल्डर से कनेक्शन आपने समझ गए होंगे, एक हमने कनेक्शन लिया है दोस्तों यहाँ पर स्विच सॉकेट में और सेकंड कनेक्शन लिया है दोस्तों हमने स्विच में। ये हो गया हमारा फेस का वायर, ये हो गया दोस्तों न्यूट्रल का वायर। चलिए दोस्तों हम चेक करते हैं अब। और दोस्तों आपको एक कितने लंबे, जितना भी आपको आवश्यकता अनुसार वायर की आवश्यकता पड़ती है, आपको एक लेना पड़ेगा दोस्तों प्लग और लेना पड़ेगा एक वायर जिसको कनेक्ट कर देना है, एक आसान जो कि सिंपल तरीका होता है, एक पॉइंट इस साइड एक पॉइंट इस साइड कनेक्ट करके जो है इस प्रकार एक वायर से कनेक्शन बना लेना है। उसके साथ में जो बल्ब होगा दोस्तों हम लगा देंगे यहाँ पर। दोस्तों यहाँ पर जब ये बल्ब लग जाता है और हमको चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर प्लग को इंसर्ट करना पड़ेगा, ये प्लग इंसर्ट हो जाता है दोस्तों। अब चेक करने के लिए देखते हैं दोस्तों कैसे करना है। तो दोस्तों हमारा सीरीज टेस्टर जो है हो चुका है तैयार,
और हमने जो है दोस्तों यहाँ से कनेक्शन कर लिया है मेन लाइट मेन कनेक्शन में। और दोस्तों आप हम चेक करने के लिए एक मोटर का उपयोग कर रहे हैं कि हमारा सीरीज टेस्टर जो है काम कर रहा है कि नहीं। चलिए दोस्तों देखते हैं, देखिए हमारा सीरीज टेस्टर बिल्कुल अच्छी तरीके से बाकायदा काम कर रहा है। आप मोटर के अलावा घर के किसी भी उपकरण का चेक कर इलेक्ट्रिक उपकरण का चेक करने के लिए इस सीरीज टेस्टर का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सरल तरीका है जो कि मैंने आपको बताया, सिंपल तरीका है सीरीज टेस्टर बनाने का। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।